मध्य प्रदेश में आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाने के लिए विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में आ रहे हैं। पर शायद प्रधानमंत्री को यह नहीं पता होगा कि यहाँ जहाँ वह पंचायती राज दिवस मनाने आ रहे हैं वहाँ के गाँवों की हकीकत तो कुछ और ही है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के ग्राम और ग्राम पंचायतों की स्थिति का सबसे पहले जायजा लिया जाना चाहिए कि आखिर उनके कार्यकाल के दौरान क्या प्रगति हुई है, ग्राम पंचायतों विकास के लिए आने वाली राशि का किस हद तक बंदरवाट किया जा रहा है और कैसे सरकारी खजाने में चूना लगाया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की 23,900 से अधिक ग्राम पंचायतों में 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर मनरेगा और अन्य निधियों से प्राप्त होने वाली राशि का जिम्मेदारों और माफिया किस्म के लोगों द्वारा निजी हित में उपयोग करते हुए पंचायत विकास कार्यों का जनाजा निकाला जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 8 दशक पूरे होने को हैं और अभी भी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में विकास अभी भी मात्र सपने ही बने हुए हैं। अब जबकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में घटता जल स्तर, शासकीय पानी के स्रोतों पर बेजा अतिक्रमण, तालाबों का विलुप्त होना, बाढ़ सागर परियोजना से जुड़ी नहरों का समय पर पूरा ना हो पाना और विधायक सांसद निधियों के नलकूपों और पेयजल व्यवस्था का निजी हित में घर और आंगन में उपयोग किया जाना, यह सब आम बात है। अब ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री कैसे पंचायती राज दिवस विंध्य क्षेत्र में मना रहे हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात है। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी एजेंसियों से इसका पता नहीं लगाया कि आखिर लोग वर्तमान पंचायती राज सिस्टम में क्या परेशानी है और क्या उससे परेशान या खुश है? समस्या और भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों का मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों से होते हुए जिला स्तर, प्रदेश स्तर और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री की आस में शिकायत करने वाले लोगों की मायूसी तब होती है जब पीएमओ की शिकायत को सीएम हेल्पलाइन से जोड़ दिया जाता है और सीएम हेल्पलाइन की बदतर स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। सही मायने में तो ऐसे पीड़ित और प्रताड़ित लोग जो अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ढोंग जैसे आयोजनों का बहिष्कार करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को यह ज्ञात होना चाहिए कि आखिर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आम जन की क्या समस्या है और इनका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। जिस जल जीवन मिशन और बाढ़ सागर परियोजना को वह नए सिरे से शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, उस योजना को ही देख लिया जाए तो बाढ़ सागर घोटाला किसी से छिपा नहीं है, जिसमें ईओडब्ल्यू में एफआईआर तक दर्ज है, जबकि एक मामले में अभी हाल ही में लोकायुक्त ने 14 साल बाद चीफ इंजीनियर सहित कई अधिकारियों पर भी मामला पंजीबद्ध किया है। नल जल की स्थिति सबने देखी ही है, अब अरबों खरबों रुपए खर्च कर जल जीवन मिशन भी मात्र कागजों पर संचालित होता है और पाइप खोदकर डाल दी गई है और लोगों में पानी नसीब नहीं हो रहा है। अब यदि मध्य प्रदेश को ही लिया जाए तो 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की लगभग 300 करोड़ रुपए की कराधान योजना में राशि 1148 पंचायतों के सीधे एकल खाते में 28 अगस्त 2019 को आंतरित की गई थी, लेकिन उस राशि का किस प्रकार से बंदरवाट किया गया और कैसे जिम्मेदारों द्वारा अपने निजी हित में उपयोग करते हुए पंचायतों के साथ गद्दारी और धोखा किया गया, इसका उदाहरण रीवा जिले में ही मिलेगा, जहाँ 75 ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर में कराधान घोटाले में कुछ आरोपी अभी भी जेल में है और कुछ जांचों को तो अभी भी दबाया जा रहा है। क्या भारत के प्रधानमंत्री इस प्रकार के मामले पर भी रुचि लेंगे? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि यहाँ क्षेत्र के लोगों की ग्रास रूट और पंचायत स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं। जब तक लोगों की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझा जाएगा और उनका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रकार के आयोजन मात्र वाहवाही लूटने और वोट बैंक बनाने तक ही सीमित रह जाएंगे और ऊपर से टैक्स पेयर पर ऐसे प्रोपोगंडे से अतिरिक्त खर्च का बोझ उनके ऊपर बढ़ेगा और ऐसे आयोजनों में अरबों खरबों रुपए का जो व्यय होगा वह भी आम जनता के ही मत्थे जाएगा। 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं हमारे विंध्य क्षेत्र रीवा में और यहाँ पर एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है जिसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा 24 अप्रैल को। इस विषय पर हमारा यह कहना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो ग्राम पंचायतों की स्थिति है, जो गाँवों की स्थिति है, आज लगभग 8 दशक पूरे होने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से और हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ग्राम क्षेत्र में रहते हैं, जो गांव में लोग निवास कर रहे हैं, कि शासन की योजनाओं की किस तरह से यहां पर दुर्दशा हो रही है और पंचायती विकास कार्य के लिए आने वाली राशि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।
यदि हम ये कहें कि मुश्किल से 25-30% ही उसका उपयोग हो रहा है तो यह अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि हम तो काम करने वाले हैं। अब उन्होंने रीवा को चुना है, विंध्य क्षेत्र को चुना है, मध्य प्रदेश को चुना है, तो यहाँ पे पिछले एक दशक से हम काम कर रहे हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे वो 13वां वित्त आयोग हो, 14वां वित्त आयोग हो और 15वां वित्त आयोग आ गया है, मनरेगा के कार्य हों, सभी कार्यों में राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। और स्थितियाँ ये हैं कि जैसे कराधान घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, बहुचर्चित कराधान घोटाला, जिसमें अभी भी जाँचें पूरी नहीं हो पाई हैं, जाँचें चल रही हैं, कुछ लोग जेल में हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य घोटाले हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे जो अन्य जैसे पंचायत के पानी की समस्याओं को आप ले लीजिए, पंचायतों का नहरों का पानी है, जल स्तर है, जल जीवन मिशन है, और इस तरह से यहाँ पे तालाबों का निर्माण है, अमृत सरोवर है, पुराने तालाबों का, इस तरह से सभी स्तर पर हम इसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार देख पा रहे हैं। इनकी शिकायतें जिला स्तर से, प्रदेश स्तर, प्रदेश स्तर से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कोई बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे प्रोटोकॉल हैं कि हम तो उनके समक्ष ये बात रख नहीं सकते, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि यदि ऐसी व्यवस्था बने कि आप एक जांच टीम गठित कर दीजिए जिसमें आपका केंद्रीय स्तर की जांच टीम रहे और उसमें हम भी सम्मिलित हो जाएं, हम भी कुछ अपने लोगों को रख लें, हम इसकी जांच करवा लें, 15 दिन से एक महीने के अंदर पूरे एक प्रोटोटाइप हम लेते हैं रीवा जिला, और हम आपको दिखा देंगे कि जो भी योजनाएँ हैं वो किस स्तर तक वो उनका बंदरबांट हुआ है और कितनी दुर्दशा है यहाँ पर। तो हमारा कहना यही है कि आपने रीवा को तो चुना है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाने के लिए, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और उम्मीद है कि वो बातें भी ये अधिकारी और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आपके समक्ष पहुँचाएंगे और इस पर भी सुधार करेंगे, यही उम्मीद है।